स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। सेल का जो वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। वो जो नोटिफिकेशन है वो है ओडिशा के लिए है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला ओडिशा इंडिया। ये पोस्ट डिटेल्स है और पोस्ट का जो एलिजिबल क्राइटेरिया वो डिटेल्स में है। पहले हम देख लेते हैं क्या पोस्ट है और क्राइटेरिया क्या है। ये देखिए, जो पोस्ट है, पहला मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग, मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग। इस पोस्ट का मिनिमम जो क्राइटेरिया है मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेट पास है क्राइटेरिया। और जो वैकेंसी है वो है 100, 100 वैकेंसी है। और स्टाइपेंड का जो रेट है वो है 7,000 पर मंथ। उसके बाद जो पोस्ट है क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग, इस पोस्ट का क्राइटेरिया डिप्लोमा इन जेनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और जो वैकेंसी है वो है 20 और क्राइटेरिया यानी रेमुनरेशन है 17,000 पर मंथ। उसके बाद एडवांस स्पेशलाइज नर्सिंग ट्रेनिंग ASNT, इसका क्राइटेरिया है जीएनएम कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ओडिशा और इंस्टीट्यूट रन बाय सेल, और बीएससी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। वैकेंसी है 40 और सैलरी है 15,000 पर मंथ। डेटा एंट्री ऑपरेटर और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनिंग, ये 10+2 है क्वालिफिकेशन। और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ये वैकेंसी है 6 और रिम्यूनरेशन है 9,000 पर मंथ। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग, कैंडिडेट को DMLT होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। वैकेंसी है 10 और सैलरी है 9,000 पर मंथ। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, MBA, BBA, PG डिप्लोमा और ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। वैकेंसी 10 और सैलरी 15,000। उसके बाद OT और एनेस्थेसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग, ये इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और उसके साथ 1 ईयर हॉस्पिटल अटेंडेंट का ट्रेनिंग होना जरूरी है। वैकेंसी है 5 और सैलरी 9,000 पर मंथ। उसके बाद एडवांस फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग, ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT कोर्स चाहिए और उसके साथ इंटर्नशिप, ये वैकेंसी है नंबर 3 और 10,000 रेमुनरेशन पर मंथ। उसके बाद रेडियोग्राफर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये है क्वालिफिकेशन और वैकेंसी है 3, 9,000 पर मंथ सैलरी। फार्मासिस्ट ट्रेनिंग, द कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मेसी, वैकेंसी 3 और सैलरी 9,000 पर मंथ। एज मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। अब कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन पे आवेदन करना है, ये ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। इस लिंक पे जाना जाना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कैसे रिक्रूटमेंट होगा, ये है एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपियर द इंटरव्यू ऑन द शेड्यूल डेट। सो इंटरव्यू होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। दो नंबर जो दिया हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द इंटरव्यू ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम विद द डाउनलोडेड और प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन, फिल्ड इन डिक्लेरेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम अलोंग विद देयर ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग। सो
ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा वह इंटरव्यू का डेट रहेगा, वेन्यू रहेगा। सो उसी डेट और उसी वेन्यू पे इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा कैंडिडेट को। सो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो तारीख है ये तो स्टार्ट हो चुका है 5 अगस्त 2022 तारीख से, और जो लास्ट डेट है वो है 20 अगस्त 2022। 20 अगस्त 2022 ये है ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट। सो ओके व्यूअर्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है ट्रेनी पोस्ट के लिए, 200 ट्रेनी पोस्ट का वैकेंसी है, उसका जो डिटेल्स हम जान गया है। जो एस्पिरेंट है और अप्लाई करने के लिए इच्छुक है वो जो तारीख है वो जो स्टिपुलेटेड जो तारीख है 20 अगस्त 2022 उसके अंदर ही करना पड़ेगा। अगर मैं हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड हर खबर हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।